है ना, हम लोग जब कोलिजन में डिस्कस कर रहे थे तो कोलिजन में हम लोग हेड ऑन कोलिजन के केस में इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम लोग डिराइव किए थे, ठीक है, कि आफ्टर कोलिजन अगर कोई बॉडी हेड ऑन सीधा सीधा टकराता है तो वैसे केस में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा। तो V1 का जो इक्वेशन आप निकाले थे वो था M1 माइनस EM2, ब्रैकेट के बाहर था U1, फिर उसके बाद था 1 प्लस E M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और V2 का जो इक्वेशन था वो था M2 माइनस E M1 ब्रैकेट के बाहर U2, फिर उसके बाद प्लस करके 1 प्लस E M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अलग-अलग तरह के टाइप ऑफ कोलिजन में आप E का वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कोलिजन आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक है तो ई के जगह पे 1, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ई के जगह पे 0, और अगर हमारे पास कोई दूसरा कोलिजन है तो ई के वैल्यू को जो दिया रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से उसको लिख सकते हैं। बस इन इक्वेशंस को यूज करने में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो वेलोसिटी U1 या U2 यूज करते हैं वो वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उनका एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आप आई कैप जे कैप जो भी क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्शन रहे वेलोसिटी का उसको मेंशन करना होगा, नहीं तो गलत हो जाए। अब इसी में आपको अलग अलग तीन चार केस बताया गया, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस केस है उस पे ध्यान दिया जाए। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दो इक्वल मासेस के बीच हो रहा है तो वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाता है, जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है वो कोलिजन के बाद उसका फाइनल होगा, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कोलिजन के बाद मेरा फाइनल होगा, वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाता है। दूसरा, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, जैसा कि आपको मेरे पीछे स्क्रीन के पीछे दिखाई भी दे रहा है, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, और उसके आपस में स्टिक करने की वजह से आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है, ठीक है। यहां तक हम लोग डिस्कस किए थे, आज के क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों का डिस्कशन है कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि टू डायमेंशनल कोलिजन होता क्या है। देखो, ये एक बॉडी है जिसका सेंटर है, ये एक दूसरा बॉडी है जिसका सेंटर है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, दोनों सेंटर से सेंटर को मिलाने वाले लाइन पे अगर इनका वेलोसिटी भी लाई करता है, सेंटर से सेंटर को मिलाने वाले लाइन पे अगर इनका वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन लाई करता है तो इसको आप वन डायमेंशनल कोलिजन या फिर हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन या फिर हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। तो सेट टू डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है, यहां देखिए, मान लीजिए इस पे एक बॉडी है और इस पे भी एक बॉडी है, इसका सेंटर और इसका सेंटर को मिलाने वाला लाइन ये है, इसके मास M1 के लिए इसका वेलोसिटी U1, इसके मास M2 के लिए इसका वेलोसिटी U2। अब आप खुद से भी समझ पा रहे होंगे कि अगर इस सिचुएशन में दोनों का टक्कर होगा तो टक्कर होने के बाद ये दोनों इस तरह से अलग होगा, करेक्ट है। इस तरह का कोलिजन टू डायमेंशनल कोलिजन कहलाता है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, यस सर। या फिर ऑब्लिक कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन या फिर ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। तो अगर कोई इसको थ्योरेटिकली बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकता है कि कोलिजन इज सेट टू बी वन डायमेंशनल और हेड ऑन अगर सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ एक्शन है U1 और U2 वो उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करे, कॉइंसाइड करे, तो उसको आप वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। लेकिन अगर सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर वो कॉइंसाइड नहीं करता, अगर वो कॉइंसाइड नहीं करता
तो उससे जो पर्टिकुलर कोलिजन अराइज होता है वो टू डायमेंशनल कोलिजन या फिर ऑब्लिक कोलिजन कहलाता है। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स जो स्ट्राइकर और गोटी के बीच होता है वो बताओ वन डायमेंशनल होता है या टू डायमेंशनल? टू डायमेंशनल डायमेंशनल डायमेंशन होता है, टू डायमेंशनल होता है। आप मारते हैं इधर जाता है टकराता फिर दोनों इधर, सीधा सीधा मारते रहिएगा थोड़ी ना जीत जाइएगा, एक दो को हो जाता है कि गोटी एकदम लाइन पे रहता है उधर है ना सीधा मारने से जाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस तो टेढ़ा टेढ़ा खेल होता है, बोलो सही है? यस सर तो इस सिचुएशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोलिजन के बाद वेलोसिटी या अदर पैरामीटर्स फाइंड आउट करें। देखिए इस कोलिजन में है ना आपको कोई लास्ट फॉर्मूला हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा अलग अलग सिचुएशन होता है। हम आपको दो तीन कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके हेल्प से अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, फॉर टू डायमेंशनल कोलिजन फिगर्स को देखिए और समझिए। मास m1 इसका वेलोसिटी u1, मास m2 इसका वेलोसिटी u2 और ये रहा सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला लाइन। मान लो जैसे यहां पे कोई भी सिचुएशन होगा जब ये टक्कर हो चुका तो टक्कर होने के बाद m1 का एक वेलोसिटी v1 और m2 का एक वेलोसिटी v2, m1 का एक वेलोसिटी v1 और m2 का एक वेलोसिटी v2, ये रहा, ये है आपका बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। जब भी इस तरह का टू डायमेंशनल या ऑब्लिक कोलिजन हो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से दो इक्वेशन बना सकते हैं। एक्स के डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो, एक इक्वेशन बनेगा। वाई के डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, दूसरा इक्वेशन बनेगा। दो इक्वेशन सबसे पहले आप मोमेंटम से बनाएंगे। चलिए देखिए, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स, m1 लेना u1 का x कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म, m2 लेना u2 का x कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम अलोंग y, m1 लेना u1 का y कंपोनेंट प्लस m2 लेना u2 का y कंपोनेंट। सर यहां तो सर y है ही नहीं। अरे यार अगर y नहीं है तो जीरो जीरो लिख लो, y रहेगा तो लेना, नहीं रहेगा नहीं लेना, जीरो है जीरो लेना, प्लस है प्लस लेना, माइनस है माइनस लेना, जो रहेगा लेना। बात समझ में आया? यस सर अब यस सर इसी चीज को फाइनल आफ्टर कोलिजन लगाओ, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स, m1 v1 का एक्स कंपोनेंट, m2 v2 का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह अगर आप फाइनल मोमेंटम वाई में लिखेंगे m1 v1 का y कंपोनेंट, m2 v2 का y कंपोनेंट। अब देखिए जब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो एक इक्वेशन आपको x में मोमेंटम्स को इक्वेट करके आपको मिल जाएगा, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एंड फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स, मतलब इसको इसके साथ इक्वेट कीजिएगा एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन आपको इसी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को वाई के डायरेक्शन में लगाने से भी आ जाएगा, मतलब आप चाहो तो फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एंड इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई दोनों को इक्वेट कर लो। वाई को अगर आप इक्वेट कीजिएगा तो एक और इक्वेशन बन जाएगा, दो इक्वेशन। अब सर और क्या बताना है हमको, ये बोलना है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको खुद ही ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास वेरिएबल्स कितना है।
अगर दो वेरिएबल पे बेस्ट कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपको दिया गया है तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से ट्राई कीजिए कि बन जाए। दो वेरिएबल दो इक्वेशन काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि और भी इक्वेशंस का जरूरत पड़ता है। अगर आपको और भी इक्वेशंस का जरूरत है तो क्वेश्चन भी एक वर्ड मेंशन करेगा, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। अब तुम सोचो, ये वाले दोनों इक्वेशंस तो आप चाहे कोलिजन का कोई भी टाइप हो आप लगा सकते हैं या नहीं? यस लगा सकते यस हैं। सर लेकिन जो तीसरा हम आपको बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो तो तभी ना लगेगा जब परफेक्टली इलास्टिक हो। यस सर सो याद रखना कि अगर टू डायमेंशनल कोलिजन इज ऑल्सो गिवन एज परफेक्टली इलास्टिक, देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो। मतलब आप उस केस में एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल का भी यूज कर सकते हैं। मतलब एनर्जी इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसको डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं। हाफ m2 u2 स्क्वायर, डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। फाइनल में हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसको आप लगा सकते हैं। लेकिन भाई इसको तभी लगाइएगा जब आपके क्वेश्चन में ये परफेक्टली मेंशन हो कि आप जिस कोलिजन को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक। यस इसी केस में एक और स्पेशल केस होता है, खास वर्ड होता है, नाम है ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन, कहीं भी अगर ग्लांसिंग कोलिजन वर्ड मेंशन है तो ग्लांसिंग कोलिजन का मतलब होता है, पहला टू डायमेंशनल कोलिजन, दूसरा वन बॉडी इज इन रेस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले एक बॉडी रेस्ट में रहेगा, और तीसरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कोई भी ऐसा कोलिजन जिसमें ये वर्ड मेंशन है कि ये कोलिजन ग्लांसिंग कोलिजन है, तो आप समझ जाइएगा कि कोलिजन के पहले एक बॉडी रेस्ट में रहेगा, बाद में क्या होगा छोड़ दो, लेकिन कोलिजन के पहले एक बॉडी रेस्ट में रहेगा। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा और वो टू डायमेंशनल होगा। इज दिस क्लियर? यस सर तो यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट आज के क्लास में, जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट किए कि टू डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है और टू डायमेंशनल कोलिजन में सिचुएशन को हैंडल आप कैसे करेंगे? टू डायमेंशनल कोलिजन में सिचुएशन को हैंडल करने का बेहतरीन तरीका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि इसके लिए हमको कोलिजन का टाइप वाइज जानने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको पता है कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, और अगर कहीं ग्लांसिंग कोलिजन मेंशन है तो हमको ये सारा चीज पहले से नोट होगा। क्लियर है? कोई कोई डाउट? नो सर देखिए, अब जो इसके आगे हम लोग का डिस्कशन है वो खास तौर पे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए है। पहला चीज हम जो आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो है लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, चाहे कोई भी कोलिजन हो, अभी तक आप जितना भी कोलिजन में पढ़े, जो भी सिचुएशन सुने, हर कोलिजन में ये दोनों लाइन हमेशा एग्जिस्ट करता है। आप देखिए समझिए,
मान लीजिए जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों बॉडी आपस में टकरा रहा है। जब ये दोनों बॉडी आपस में टकराएगा तो दोनों बॉडी के सेंटर को सेंटर से मिलाने वाला लाइन, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट कहलाता है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट कहलाता है। और जो बीच का आप कॉमन टेंजेंट देख रहे हैं, जो बीच का आप कॉमन टेंजेंट देख रहे हैं, इसको हम लोग लाइन ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या पहचान पा रहा है लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ कांटेक्ट? यस सर, यस सर। दोनों ताली मारे से ऐसा ऐसा मारो, पता चल रहा है कि कहां है लाइन ऑफ इंपैक्ट और कहां है लाइन ऑफ कांटेक्ट? यस सर। तुम्हारे हथेली के पैरेलल, तुम्हारे पाम के पैरेलल, तुम्हारे पाम के पैरेलल क्या है? लाइन ऑफ कांटेक्ट। लाइन ऑफ कांटेक्ट। और पाम के परपेंडिकुलर कौन है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखना, फॉर एनी कोलिजन ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विच लाइज ऑन लाइन ऑफ इंपैक्ट। चाहे आपका कोई भी कोलिजन, देखो कितना छोटा सा लाइन है, मासूम सा छोटा सा लाइन, चाहे कोई भी कोलिजन हो, वेलोसिटी का केवल और केवल वही कंपोनेंट बदलेगा या वही कंपोनेंट चेंज करेगा जो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे है। आज आप पूरा पढ़ने जा रहे, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, लेकिन हर जगह काम यही आएगा। वेलोसिटी का केवल वही कंपोनेंट चेंज करेगा जो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे लाई करता है, बट कंपोनेंट विच लाइज ऑन लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसा कंपोनेंट जो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के पैरेलल हो, याद रखना, वो चेंज नहीं करता। कौन चेंज करता है भाई? तो लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला कंपोनेंट चेंज करता है। कौन नहीं चेंज करता भाई? तो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट चेंज नहीं करता है। एक और फिगर हम बना दे, फिर हमें ना आपको समझाएंगे। ये था आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये है आपका लाइन ऑफ कांटेक्ट। ये ब्लॉक है मास M1, ये ब्लॉक है मास M2, ये ब्लॉक है मास M1 है, ये मास M2 है। ये आपका जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट बिफोर कोलिजन, टक्कर होने के जस्ट पहले, टक्कर होने के जस्ट पहले। और ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन, टक्कर होने के तुरंत बाद। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आप देखिए, सपोज M1 का अपना वेलोसिटी है U1 टक्कर के पहले, और M2 का अपना वेलोसिटी है U2 टक्कर के पहले। आप देखिएगा गौर से, क्या U1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है C के पैरेलल? बोलो बोलो बोलो। यस। और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है इंपैक्ट के पैरेलल, लाइन ऑफ इंपैक्ट के पैरेलल। यस सर। सब कोई समझ रहा है मेरी बात को? यस सर। उसी तरह U2 का भी एक कंपोनेंट होगा लाइन ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल, ये कांटेक्ट वाला लाइन, और एक कंपोनेंट होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट के पैरेलल। बोलो। यस। जब टक्कर होगा ना, टक्कर हो जाएगा जब, तो टक्कर के पहले जो U1C था ना, वो टक्कर के बाद भी U1C ही रहेगा, नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। ये U2C जो टक्कर के पहले था, वो टक्कर के बाद भी U2C ही रहेगा।
देखो कॉन्टैक्ट वाला जो कंपोनेंट है वो अनचेंज है, लेकिन जो इंपैक्ट वाला कंपोनेंट था, जो यू वन आई था, वो बदल जाएगा और वो भी वन आई हो जाएगा। जो यू टू आई था वो अब हो जाएगा भी टू आई। मतलब जो इंपैक्ट वाले लाइन के ऊपर कंपोनेंट पड़ रहा है वेलोसिटी का, वो बदल जाएगा। कॉन्टैक्ट वाले लाइन के जो पैरेलल वेलोसिटी वो नहीं बदल। कुछ किया? हाँ सर, हाँ सर, सर बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा? तो जितना भी तुम भी वाला फॉर्मूला सब पढ़ा है वो सब इसी के लिए था। सर निकालना है, सर निकालना, वेलोसिटी हमको निकालना, भी वन आई और भी टू आई हमको निकालना है, भी वन आई और भी टू आई हम लोगों को निकालना है। तो देखो, जो हम लोगों का भी वन आई या भी टू आई है, उसको आखिर हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो जो भी आप अभी तक का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, वो इसी के लिए था। क्या हम लोग ऐसा पढ़े थे कि भी वन इज इक्वल्स टू एम वन माइनस ई एम टू, यू वन प्लस वन प्लस ई एम टू यू टू बाई एम वन प्लस एम टू, पढ़े थे ये? तो याद रखना कि अगर आप यू वन का आई कंपोनेंट और यू टू का अगर आई कंपोनेंट लेंगे तो आपको भी वन का आई कंपोनेंट ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? यस इसी तरह अगर भी टू का फॉर्मूला आपको याद है, एम टू माइनस ई एम वन यू टू वन प्लस ई एम वन यू वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो अब आइए यहां, अगर आप यू टू का आई कंपोनेंट और यू वन का आई कंपोनेंट लेंगे तो आपको भी टू का भी है ना आई कंपोनेंट ही मिलेगा। इवन इवन जो आप कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला पढ़े उसमें भी अगर आप सारा आई वाला पैरामीटर ले लीजिएगा इंपैक्ट वाला, तो ये रिलेशन आई के लिए ही स्टैंड कर रहा है। ओके? यस सर, तो ये सब इक्वेशंस है जहां से आप यू वन आई या यू टू आई का यूज करके भी वन आई या भी टू आई निकाल सकते हैं। जेई एडवांस में इसका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेंस या नीट में किस तरह का क्वेश्चन आता है? मेंस या नीट में इसका क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके का चलता है, और वो ये होता है कि अगर कोई बॉल किसी फिक्स सरफेस से टकरा गया, तो अगर कोई बॉल है, मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है और आप उसको है ना एक किक मार दिए, एक किक मारे, जब आपका फुटबॉल यहां से फेंका गया, देखो एक फुटबॉल है उसको आप यहां से है ना किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए, वो गया उड़ता हुआ गिर गया। बोलो सही है जी? यस लेकिन क्या जहां गिरेगा वहीं रह जाएगा? नहीं, यहां से उड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर गिरेगा, फिर गिरेगा। तो हम लोग जो अभी तक प्रोजेक्टाइल में पढ़ रहे थे, हम लोग एक प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे बस, कहानी प्लेन खत्म। लेकिन उसके बाद भी तो ये कहानी चलती है ना। फुटबॉल देखा होगा ग्राउंड में, मारा होगा किक, देखा होगा कि पहली बार गिरा वही रुक गया। नहीं सर, तो ये सब जो हो रहा है वो क्या है? हम लोग थोड़ा इसके बारे में, देखो ये बॉल जा रहा है नीचे, एक फिक्स सरफेस है धरती अर्थ, उसे टकराया। तो ऐसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, वो यहीं से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से। ठीक है, तो आगे उस पर बढ़ रहे हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? नो सर, कोलिजन ऑफ बॉल विथ फिक्स्ड सरफेस। बॉल का कोलिजन लेना है फिक्स सरफेस से। जरा गौर कीजिए और समझिए। मान लीजिए यहां एक बॉल आके टकरा रहा है, ये
बॉल था यहां, इधर आ रहा था, भी से आ रहा था, यहां टकराया, भी वेलोसिटी से टकराया, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। भी का एक कंपोनेंट टक्कर के पहले राइट की तरफ है साइन थीटा वाला, आप मान लो एक्स है, और नीचे की तरफ है कॉस थीटा, तो मान लो वाई कंपोनेंट। धरती से टकराया, कोई हमको ये बताएगा कि जब ये बॉल धरती से टकरा रहा है तो कौन से एक्सिस पे लाइन ऑफ इंपैक्ट लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कौन से एक्सिस पे लाइन ऑफ वाई एक्सिस पे है लाइन ऑफ इंपैक्ट, देख रही राई तो कॉन्टैक्ट है ना भाई, इंपैक्ट तो ये है ना, वाई एक्सिस है ना इंपैक्ट, तो कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज कर जाएगा, वाई एक्सिस वाला चेंज कर जाएगा। सर चेंज करके क्या हो जाएगा, चलो देखो, ई इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू। आप लोग बताइए बॉल को आप वन लिखेंगे या टू, कुछ लिखना होगा ना, और धरती को भी कुछ लिखना होगा, वन या टू, बताइए बॉल को वन लिखेंगे या टू, वन लिख दे तो धरती को टू लिखेंगे। तो ये जो टू का फाइनल वेलोसिटी है और ये जो टू का इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों जीरो होगा। तो जरा गौर करना, e times of u1 is equals to minus v1 या v1 is equals to minus e u1, कोई इसका फिजिकल मीनिंग बताओ तो क्या है, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड e टाइम्स, बोलो सही है। yes, sir. कौन सा कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट वाला कि इंपैक्ट वाला, इंपैक्ट वाला। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो v1 होगा वो e टाइम्स ऑफ v cos थीटा होगा। तो देखिए भाई, आफ्टर कोलिजन देखिए, ये बिफोर कोलिजन था, अब आफ्टर कोलिजन का फिगर देखिए, आफ्टर कोलिजन और फिर से आफ्टर कोलिजन, जो हमारा लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे कंपोनेंट था वो जैसे पहले था वैसे अभी भी है, कोलिजन के पहले भी बी साइन थीटा था, कोलिजन के बाद भी बी साइन थीटा है, जो डायरेक्शन पहले था वही डायरेक्शन बाद में है, यहाँ कोई डाउट नहीं। अब जो इंपैक्ट पे है वो एक तो मैग्नीट्यूड में ई टाइम्स होगा और डायरेक्शन उल्टा होगा, मतलब ये ऊपर हो जाएगा अब, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, बोलो समझा। yes. तुम्हारा बॉडी अब कहीं बीच से ऐसे चलना स्टार्ट कर सकता है, हम बोलेंगे देखो भाई नया वेलोसिटी बता दो, तो तुम बोलना सर रुकिए, रूट अंडर वी साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस ईवी कॉस थीटा का स्क्वायर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। yes. हम बोल दे देखो जी नया एंगल बता दो, तुम बोला रुकिए सर टैन फाइ इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ईवी कॉस थीटा बाई बेस वी साइन थीटा, वी भी कैंसिल सर e by tan theta, मतलब तुमको नया एंगल भी मिल गया और नया वेलोसिटी भी मिल गया, रूट अंडर v sin theta का स्क्वायर प्लस e v cos theta का स्क्वायर, और तुमको उसका एंगल भी मिल गया, बोलो सही है। सबको ही थोड़ा हिम्मत लगाओ, जोर लगाओ, बताओ कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट में बदलाव हुआ, एक्स में या वाई में, वाई में। हाँ बोलो ना सर, कॉस बाय साइन कॉट होता है ना, तो ऊपर चाहेंगे तो कॉट लिखेंगे, नीचे टैन लिख दिए,
ठीक है ना? यस सर ठीक है, ठीक। यस सर अब आप हमको बताइए कौन सा कंपोनेंट में बदलाव हुआ, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? वाई वाई कंपोनेंट। डायरेक्शन उल्टा हो गया और मैग्नीट्यूड ई टाइम्स हो गया, बोले सही है? यस सर यस सर ठीक है, देखिएगा आगे बहुत मजा आएगा। सक्सेसिव प्रोजेक्टाइल यहां पे आप किसी बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दी, वेरी गुड। ऐसा उड़ता हुआ गया यहां गिरा, अभी मानेगा थोड़ी ना, यहां से कूदेगा फिर यहां जाएगा, मानेगा थोड़ी ना। रुक जाओ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। फिर यहां मानेगा थोड़ी ना, फिर यहां से आगे जाएगा, तुमको और दो तीन को जगह भेजना, भेज दो। अब देख हो क्या रहा है, यहां पे मेरे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, अगर चाहेंगे तो यू कॉस थीटा लिख देंगे, और वाई कंपोनेंट है, अगर चाहेंगे तो यू साइन थीटा लिख देंगे। जब ये पहली बार यहां पे कोलिजन हुआ, धरती से टकराया, तो एक्स कंपोनेंट जैसे पहले था वैसे ही रहा, लेकिन वाई कंपोनेंट में ई टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, बोलो सही है? यस यस बताना बताना बताना। जब दूसरी बार टकराया तो एक्स कंपोनेंट फिर से वैसे ही है, बोलो वाई कंपोनेंट कितना हो गया? ई स्क्वायर टाइम्स हो गया यू वाई का। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, ये सेकंड प्रोजेक्टाइल, ये थर्ड प्रोजेक्टाइल। आप लोग याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए, आप लोग पढ़े थे ऐसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u का वाई कंपोनेंट बाय जी, हाइट का फॉर्मूला होता है u के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है 2u का एक्स कंपोनेंट u का वाई कंपोनेंट बाय जी। याद आ गया तीनों? Yes, अगर फर्स्ट के टाइम ऑफ फ्लाइट को टी नॉट, फर्स्ट के हाइट को एच नॉट, और फर्स्ट के अंदर रेंज को आर नॉट लिखते हैं, तो क्या सेकेंड वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम में केवल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ई टाइम्स हो गया, तो क्या टाइम भी ई टाइम्स हो जाएगा? Yes, हाइट में y कंपोनेंट का स्क्वायर है और y कंपोनेंट e टाइम्स हुआ है, तो हाइट क्या e स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा? Yes. और रेंज में x और y दोनों कंपोनेंट था, लेकिन x वाला तो बदला ही नहीं, y वाला बदला, तो इसका मतलब है कि रेंज भी केवल e टाइम्स हो जाएगा। आई होप सो मेरी बात समझ में आ रही है। Yes. एचसीबी बुक बनाइएगा ना, तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बोला, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया, ऐसे थीटा वीटा दे दिया, बताओ वो धरती को अर्थ को दूसरी बार कब हिट करेगा? दूसरी बार, पहली बार नहीं, कोलिजन का क्वेश्चन है, दूसरी बार कब हिट करेगा? अरे यार पहली बार तो हिट करेगा आर नॉट पे, आर का फॉर्मूला सामने, दूसरी बार हिट करेगा आगे ई आर नॉट पे, तो टोटल कितना हो गया आर नॉट प्लस ई आर नॉट, बोलो सही है? यस सर। चलो तीसरे पे दिमाग लगाओ, बताओ फर्स्ट वाले से कंपैरिजन करना, टी नॉट से, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? ई स्क्वायर टाइम्स। बोलो हाइट कितना होगा, क्या ई पे पावर फोर होगा? वेरी गुड। क्या रेंज हम लोगों का ई स्क्वायर टाइम्स होगा? yes, अब हम बोल दें कि बताओ इसको यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां पे हुआ फर्स्ट कोलिजन, यहां हो गया सेकंड कोलिजन, ये हो गया आपका थर्ड कोलिजन। अब अगर हम तुमसे बोल दें कि देखो एक बॉल है जिसको किक किया गया है 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और समथिंग,
तो जैसे ही तुमको 50 मीटर और 30 डिग्री बता देंगे तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट आए तो आप सॉल्व कर ही लेंगे ना पहले। अब यस हम बोलेंगे बताओ वो हवा में कितने देर रहा जब वो धरती को दूसरी बार हिट किया, तो पहली बार टी नॉट था, दूसरी बार ई टी नॉट था, दोनों जोड़ दीजिए। तीसरी बार कब हिट किया, तो टी नॉट ई टी नॉट ई स्क्वायर टी नॉट, तीनों जोड़ दीजिए। नहीं बुझाया लग रहा है, समझ गया सर। सबको बुझाया है? यस यस सर। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव प्रोजेक्टाइल, ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज इसमें ऐड करना चाहते हैं, व्हेन एनी बॉल इज ड्रॉप ऑन फिक्स्ड सरफेस, या हमारे पास एक फिक्स सरफेस, एक बॉल को तुम यहां से छोड़ दियो हो, एच नॉट हाइट से छोड़ दियो हो, ये गिरा 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 गिरा, और गिरने के साथ जब वो यहां पे हिट करेगा तो क्या इसका वेलोसिटी रूट अंडर 2gh होगा या वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh लिख सकते हैं? बोलो जी बोलो। ठीक, सही। अब बताओ फर्स्ट कोलिजन के बाद, ये तो टक्कर के पहले था, टक्कर के तुरंत बाद क्या इसका वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगा? अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा, फिर जब वो अर्थ से टकराएगा, टक्कर होने के पहले ई भी नीचे था, टक्कर होने के तुरंत बाद क्या ये ई भी ऊपर हो जाएगा? सही लिखे हैं? कुछ गलत नहीं हो गया हमसे? कुछ गलत नहीं हो गया सही हमसे? स्क्वायर ई स्क्वायर भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और फिर आएगा, टकराएगा ई स्क्वायर भी से, फिर जब ये लौटेगा तो कितना टाइम्स, EQ अब फिर आएगा, टकराएगा, और ये कहानी चलते रहेगा। सही है? घर में भी बैठे हो, अगल बगल अगर बॉल है तो उठा लो, उसको छोड़ दो जमीन पर, टप 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 टप, 4-5 बार होगा फिर रुक जाएगा। क्या बोलते हो? हाँ सर। वही हो रहा है, जहां से छोड़े थे अगला टप नीचे है, उसका अगला टप और नीचे नीचे नीचे, 2-4 बार में शांत। ठीक है ना? तो यहां यस पे जरा गौर करना, कुछ डाटा लिख रहे हैं। बिफोर कोलिजन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन आफ्टर सेकेंड कोलिजन, थोड़ा जगह ले, और फिर एंथ कोलिजन, याद रखना एंथ वाले के लिए सबसे कम जगह, रुक जा थोड़ा जबरदस्ती कर लेते। ये सेकेंड वाले के लिए इतना सा जगह रखेंगे, हाँ एंथ वाले के लिए बहुत जगह रखेंगे। देखो, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितना, वी नॉट, तो फर्स्ट कोलिजन के बाद ई वी नॉट, सेकेंड कोलिजन के बाद ई स्क्वायर वी नॉट, तो एंथ कोलिजन के बाद ई पे पावर एन वी नॉट होगा। यस सर। हाइट, जो वो हाइट अटेंड कर रहा है, देखो पहला हाइट एच नॉट, फर्स्ट कोलिजन के बाद ई स्क्वायर एच नॉट होगा, अगले कोलिजन के बाद ई पे पावर 4h0 होगा, तो अगले कोलिजन के बाद ई पे पावर ई पे पावर ई पे पावर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रफ करने दो,
ई पे पावर 2n h0 होगा। यस क्या सब कोई समझ पा रहा मेरी बात? यस ये सिलसिला चलते रहेगा लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चलता सर। हम लोग देखे सर, 2-3 बार होता है फिर रुक जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये ई स्क्वायर होते जा रहा है, स्क्वायर क्यूब फोर्थ, ऐसे पावर बढ़ते जा रहा है। इतना छोटा हो जाएगा ना तुरंत। देखो छोटा कैसे हो जाएगा, मान ले ई का वैल्यू 0.2 है, तो एक टक्कर के बाद 0.2 टाइम्स, दो टक्कर के बाद अगर उसका स्क्वायर हो गया तो 0.04 टाइम्स। बात समझा? यस और अगर उसका क्यूब हो गया तो 0.008, और अगर उसका फोर हो गया तो 0.00010 ऐसे करके। बात समझा? यस बहुत रैपिडली ये घटता है, इसीलिए बॉल छोड़ोगे ना तो 3-4 टप्पा के बाद रुक जाना है। ठीक है, कारण ये होता है। समझ में आया यहां तक मेरी बात? यस अच्छा, अगर मोमेंटम हम लिखे, मोमेंटम देखो ऐसे स्लाइड बदलना पड़ेगा मोमेंटम लिखने के लिए, यहां जगह नहीं है। तो फर्स्ट कोलिजन के पहले का मोमेंटम अगर निगेटिव में था तो फर्स्ट कोलिजन के बाद का मोमेंटम पॉजिटिव में है। बोलो सही है। लीनियर मोमेंटम, बिफोर फर्स्ट कोलिजन, मान लो नीचे की तरफ एम वी नॉट माइनस जे कैप, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ई वी नॉट जे कैप। देखो भाई, चेंज इन मोमेंटम अगर हम बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो देखिए जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम अगर हम फर्स्ट केस में बात करें तो जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होगा फर्स्ट केस में, फाइनल मोमेंटम है एम ई वी नॉट जे कैप, और माइनस एक प्लस से, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। इसमें से तुम अगर एम वी नॉट को कॉमन ले लो तो ई प्लस वन जे कैप आएगा। यस उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड कोलिजन में पैरामीटर सेट करें, बिफोर सेकेंड कोलिजन, तो क्या इसको लिखोगे ऐसे? बिफोर सेकेंड कोलिजन तुम इसको लिखोगे ई एम भी नॉट के साथ माइनस जे कैप। बोलते चलना ई स्क्वायर एम भी नॉट के साथ आ जाएगा जे कैप। और अगर हम चेंज इन मोमेंट, क्या हुआ समझे? और अगर हम चेंज इन मोमेंटम सेकेंड केस में लिखें तो एम भी नॉट को कॉमन ले लोगे तो ई स्क्वायर प्लस ई टाइम्स आ जाएगा जे कैप। सोचो सोचो, अगर हम लोग सिमिलरली अगर हम लोग nth कोलिजन का बात करें, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। अगर हम nth कोलिजन का बात करें तो m v not e पे पावर n प्लस e पे पावर n माइनस 1 जे कैप आएगा। क्या सबको समझ में आया? यस ये तरीका था कि कैसे आप है ना, वन डायमेंशनल कोलिजन अगर हमारे पास टप 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 जैसा कोई फेनोमेनन हो रहा है तो आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। एक से एक न्यूमेरिकल मिलेगा, एक से एक टॉपिक है। कोई भी बुक बनाइए, कोई भी स्टडी मॉड्यूल बनाइए, कहीं से भी बनाइए, डीपीपी बनाइए, बस ये थ्योरी आज का जो है अच्छे से दिमाग में रखिएगा। मेरी तरफ से कोलिजन खत्म है।
आपको जहां से क्वेश्चन बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है,